करने के बाद महिलाओं को तुरंत पेशाब करना क्यों जरूरी होता है? इंटरकोर्स मतलब सेक्स करने के बाद महिलाओं को तुरंत पेशाब न करना उनके सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को इससे यूरिन इन्फेक्शन समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद महिलाओं के लिए यूरिन पास करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि महिलाओं का मूत्र मार्ग छोटा होता है जिससे आसानी से बैक्टीरिया फैल सकते हैं। इंटरकोर्स के दौरान पुरुषों के यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में इंटरकोर्स के तुरंत बाद यूरिन पास करने से बैक्टीरिया निकल जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरकोर्स मतलब होता है सेक्स करना, यूरिन इन्फेक्शन का होता है खतरा। बहुत सी महिलाओं को इंटरकोर्स के बाद यूरिन इन्फेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान बैक्टीरिया महिलाओं के यूरिनरी ट्रैक्ट में फैल जाते हैं जिससे यह समस्या होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूटीआई होने का खतरा अधिक होता है। महिलाओं में मूत्र मार्ग मतलब वो नली जहाँ से यूरिन पास होता है, मतलब जहाँ से पेशाब करते हैं, पुरुषों की तुलना में काफी छोटा होता है जिससे बैक्टीरिया आसानी से आपके मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इंटरकोर्स करने के तुरंत बाद प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह से सफाई करें। इंटरकोर्स के बाद कब करना चाहिए यूरिन पास? इंटरकोर्स के 30 मिनट के भीतर यूरिन पास करने की कोशिश करें। यदि आप अधिक समय तक इंतजार करते हैं तो बैक्टीरिया आसानी से आपके मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप यूरिन पास करने के साथ ही प्राइवेट पार्ट की सफाई भी करें। क्या पुरुषों के लिए भी जरूरी है इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करना? अगर पुरुष इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास नहीं करते हैं तो उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पुरुषों का मूत्र मार्ग महिलाओं की तुलना में लंबा होता है जिससे इंटरकोर्स के बाद इन्फेक्शन होने का खतरा ना के बराबर होता है। क्या इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने से नहीं होती प्रेगनेंसी? अगर आप ये सोचती हैं कि सेक्स के बाद यूरिन पास करने से मतलब सेक्स के बाद पेशाब करने से प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है तो आप गलत हैं। प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो आपको सुरक्षित इंटरकोर्स का रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो बता दें कि इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने से मतलब पेशाब करने से आपकी प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रेगनेंसी के लिए शुक्राणु को योनि से फैलोपियन ट्यूब तक जाने की जरूरत होती है। योनि मूत्र मार्ग से अलग होती है, इसलिए इंटरकोर्स के बाद पेशाब करने से आपकी प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करने में जलन का एहसास होना। इंटरकोर्स के बाद बहुत सी महिलाओं को यूरिन पास करते समय जलन का एहसास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो। यूरिन पास करते समय होने वाली जलन के लक्षण कई बार यूटीआई से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन एक या दो दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको इंटरकोर्स करने के दो दिन बाद तक भी यूरिन पास करते समय मतलब पेशाब करते समय जलन का एहसास होता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं।